जाते हुए दिखे, पर वहां पे जी और आइकू सोल इनकी अगर बात करें, इनके बीच में तो स्ट्रेट ऑन भड़त, और यहां पे जी मवी पहले ही दो फ्रैग्स, चार फ्रैग्स, और यहां पे क्या हमने वाइप आउट देखा क्रैक। यहां पर आइकू सोल लैंड करते उससे पहले ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर ने उनको गेम से बाहर कर दिया। ये दूसरा क्लैश था जो फिक्सेस ने जरूर मेंशन करा था, बताया था, एंड लिटरली प्लेयर्स यहां पे नाइफ हुए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ही फास्ट लैंड हुआ, एंड जब तक हम लोग ट्रांजिशन देखते उतने में टीम वाइप आउट हो गई है। एंड जी यहां पे आते ही, मतलब जो बोलते हैं ना दबदबा बनाना है, ये होता है असली डोमिनेशन, उतरते ही टीम वाइप आउट। यहां पे गाइस हमारे पास आपके लिए एक न्यूज है कि मैच रीहोस्ट हो रहा है, थोड़ा सा हो सकता है तकनीकी खराबी जो की होता है, ये होगी गड़बड़। किसी भी टीम को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके प्लेयर्स फिर से वापस एक बार और सैनॉफ की मैप की तरफ जाएंगे। एंड ग्रेट, यहाँ से मुझे मानना की मुस्कुराहट दिख रही है कि क्या ही जीवन दान मिला ऊपर वाले की तरफ से। ये एक रहेगी सबक, इस बार मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो ड्रॉप छोड़ दे, बट एक नए अप्रोच के साथ जाएं। उन्हें पता है ग्लोबल ईस्पोर्ट नथिंग टू लूज वाले एटीट्यूड के अंदर है। ऑल्सो बिकॉज मैच रीहोस्ट हो रहा है, पता नहीं किस टीम्स के साथ तकनीकी खराबी हुई है, सो आई थिंक हमें उससे ज्यादा बेटर पता चलेगा। बट यस, दूसरा जीवन दान सोल खुश है, हमें पता चला उनके साथ गड़बड़ नहीं हुई थी, उनको जी ने काफी ग्राउंड में फिनिश किया है, उनके पास दो गन्स आ गए थे जिसके वजह से अब दूसरा जीवन दान लकी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा लकी। ड्रॉप क्लैश हमें एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स आइकू सोल कैंप अल्फा के आसपास भिड़त करते हुए जरूर दिखेंगे, एंड वहां पे जी के निंजा बॉय आइकू सोल नकुल को लेते हुए निंजा बॉय नॉकआउट होंगे। स्लग यहां पे रॉनी को पिकअप करते हुए, एमजे यहां पे विस्कॉट को लेते हुए, दोनों ही तरफ बहुत इंटरेस्टिंग 4v4 का फाइट। मान यहां पे स्लग को पिकअप करेंगे, एमजे विस्कॉट को, शेडो भी डाउन, यहां पे जी 20 भी डाउन है। आई थिंक दोनों ही तरफ काफी इंटेंस माहौल है, 2v1 या 1v1 का सिचुएशन, एंड यहां पे वी सी द फर्स्ट वाइप आउट। गुजरात टाइगर्स यहां पे वाइप आउट हो गए ओजी चार फिनिशेस के साथ और एक मैन लॉस के साथ कंटिन्यू करते हुए। इट इज एक स्टेटमेंट रहेगी गुजरात टाइगर्स आने से पहले सोचेगी जरूर, बट वहीं पर आइकू सोल भी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को बाहर निकाली और ये देखिए वो जीवन दान जो मिला था उन्हें, इस बार उन्होंने कामयाबी हासिल करी, टेंपल पर अपना कब्जा करके दिखाया। यस, चारों प्लेयर्स जीवित, सेकंड चांस को बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने रिडीम किया है, चार फिनिशेस के बाद आगे बढ़ेंगे। आइकू सोल के खिलाड़ी मान्या सामने दिखाई देंगे, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। गुजरात टाइगर्स जिनके दो मुकाबले बहुत बढ़िया गए, अगर यहाँ एलिमिनेट होते तो शून्य प्लेसमेंट पॉइंट, बट पूरा यहाँ पे कमान क्लच गॉड के हाथों पे, डीबीएस है उनके हाथों पे, और मान्या का ये नॉक, एंड इसी के साथ विक्की कंप्लीटली फिनिश ऑफ हो चुके हैं। सोनी की तो तलाश थी बट क्लच गॉड का वो जवाबी हमला, बट इंस्टेंट ट्रेड ऑफ रोनी के द्वारा भी देखने को मिलता हुआ। इस पावर को जल्द से जल्द वो रिवाइव करना चाहेंगे क्योंकि माफिया उनको वहीं पे खत्म करेंगे। पर इसी के साथ गॉड सेम वर्सेस आइकू सोल, उनकी भी फाइट चल चुकी है, नकुल उनको भी डाउन किया जाएगा डेल्टा पीजी के द्वारा। मान्या आईजीएल शोगन को डाउन करते हुए दिखाई देंगे, मान्या एक बढ़िया शानदार स्प्रे जाता हुआ, शोगन गाड़ी चढ़ गई उनके ऊपर, उनको भी समाप्त किया गया डेल्टा पीजी। मान्या वो जो स्प्रे उन्होंने किया था वो एक्चुअल में कनेक्शन बनाएगा, गॉड्स रेन सातवें पायदान पे उनका एलिमिनेशन, पर टीम आइकू सोल ठीक सामने रेजिडेंट के खिलाड़ी है और काफी शॉट टाके गए हैं, शॉट किए थे हालांकि नॉक नहीं कर पाए, बट नॉक का नॉक जरूर प्राप्त करेंगे, और कोई मलाल ने इंस्टेंट फिनिश इनके तरफ से भी देखने को मिलता हुआ। बट आइकू सोल, रॉनी, एस पावर, सारे खिलाड़ी आ पहुंचे गुजरात टाइगर्स के काफी करीब, उनके पास स्मोक्स मात्र आपको देखने को मिलेंगे। शैडो क्या वो आगे रश करना चाहता है, स्मोक का इस्तेमाल किया गया पर उन्होंने उस खिलाड़ी को देखा नहीं, एस पावर शैडो जी, और देखते ही देखते शैडो जी जिन्होंने 1v4 किया था, क्या एक बार फिर से वो कर पाएंगे, शायद नहीं। नकुल उन्होंने शट डाउन किया शैडो को, और देखते देखते गुजरात टाइगर्स इस मुकाबले में चौथे पायदान पर बाहर। सर एक शायद एक्वानॉक्स की तरफ से टू वाइप द टीम आउट, आरएनटी अभी भी अपने पोजीशन होल्ड करते हैं। वहां पे सोल पावर आईएफ के क्रिप्टो को पिक अप करेंगे, मैड रेकॉर्ड करेंगे, रॉनी क्रिप्टो को फिनिश करेंगे, और किस तरीके से ब्लू जोन हमारी टीम को इनसाइड सर्कल की तरफ पुश करते हुए दिख रहा है। यहां पे ओमेगा नेट कुक करते हुए गोजिंग के प्लेयर्स एक ही कंपाउंड के अंदर है, मल्टीपल ले जाने वाले बाहर आगे, ओमेगा एक को पिक अप करेंगे, दो को पिक अप करेंगे, गोस फॉर द 3, एंड यहां पे गॉड्स रेन को अंदर आते ही डिलीट किया गया है कार्निवल गेमिंग की तरफ से। ओमेगा की तरफ से तीन शानदार नॉक एंड तीन फिनिशर उनके नाम पे, डेस्ट्रो अकेला बचेंगे, क्या जो ओमेगा ने किया है वो जीडीआर के डेस्ट्रो कर पाएंगे। यहां पे नेट्स के अंदर घुसते हुए डेस्ट्रो के हाथ में भी डीबीएस टेक्स वन, बट नो, इट्स गोना बी ओमेगा।
आसान नहीं रहेगा आईक्यू सोल को, क्योंकि वो काफी ओपन के अंदर आएंगे और जिसके पास टीपीपी होगा फायदा उठाएगा। टीम फॉरएवर के ओमेगा यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। अगर इन्होंने यहाँ पर नॉक निकालना चालू करा, अगर इन्होंने इस चीज को कैपिटलाइज करा, इनको कोई भी नहीं रोक पाएगा उस हाई ग्राउंड से। अगर एक बार ऊपर पहुंच गए गेम आसान हो जाएगा। और अभी टीएफ के दो प्लेयर्स ओवेस और माफिया काफी इंपॉर्टेंट काम उनके पास, ये पोजिशन होल्ड करना, बट नो आईक्यू सोल एसपावर की तरफ से एक बहुत ही शानदार नेट टू टेक ऑफ ओवेस। आईएनटी के एक्विनॉक्स और आईएनटी की पूरी स्क्वाड जो इतने से पोजिशन होल्ड कर रहे थे, सीजी के साथ ऑलमोस्ट 4v2 की फाइट एंड सीजी कम्स आउट ऑन टॉप। सीजी अभी क्रैट पूरी एक रोल पे है जहां पे डब्ल्यूएसबी काफी दूर एज में, अभी डब्ल्यूएसबी ने एक बहुत ही प्लैनेट एस पावर को पिक ऑफ करने के लिए, एंड दिस कुड बी ट्रबल फॉर आईक्यू सोल बिकॉज़ वो ओपन में है। यहां पे अनुज 2 ओपी पिक ऑफ करेंगे और रोनिया अकेले बचते हुए सीजी का वहां पे प्रेशर पर, ओमेगा टू द रेस्क्यू एंड वो वहां पे अनुज 2 ओपी को पिक करेंगे। काफी अलग टाइप के ट्रेड्स हो रहे हैं। एस पावर का वो पॉइंट गवाना यहाँ पे थोड़ा खतरा हो गया, बट रॉनी अभी भी यहाँ पर हार मारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब उनकी असली जंग अक्षत के साथ, माफिया किसी तरीके से अभी पोजीशन को बचाते हुए दिख रहे हैं। टीम फॉरएवर वर्सेस कार्निवल वर्सेस आईक्यू सोल, बट माफिया ने अक्षत को गेम से बाहर निकाला, ओमेगा का अच्छा सपोर्ट। अब तो ये 1v1v1 हो चुका है, कौन जीतेगा? एंड यहाँ पे आई थिंक रोनी के पास हील्स नहीं है, इट्स रोनी वर्सेस ओमेगा। ओमेगा वहाँ पे फुल्ली हील्ड अप, मूव इन कर रहे हैं रोनी पे, हु कम्स आउट बेटर ये हमें देखना होगा। आईक्यू सोल वर्सेस कार्निवल गेमिंग, समथिंग दैट पूरी दुनिया देखना चाह रही थी। एंड यहाँ पे ओमेगा मूव इन करते हुए, नाइस, ओ काफी प्यारा सेव, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब उनके पास थर्ड पार्टी का कंट्रोल है, हील कर सकते, बट यहाँ पर मौका था, रोनी ने अपने मौका गवाया है। थर्ड पार्टी का गेम और एक्सपीरियंस गेम्स, और बताओ यार कैसे हो, कैसे लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, मन नहीं आ रहा नहीं लुकी पे बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस थे आज के। आ रहे हो नोएडा? नहीं भाई मैं नोएडा नहीं आ रहा हूँ, मैं इनफैक्ट किसी काम से कहीं और जा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली।